बना लेते हैं स्वादिष्ट से पनीर के पराठे। उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध से पनीर बना लिया है और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। और अगर आप बाज़ार का पनीर इस्तेमाल करें तो आप उसे ग्रेट कर लें, और घर का बनाएं तो उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। ले लेते हैं पनीर, और उसके साथ ही हमें चाहिए कुछ मसाले, तो वो भी हम इसी में डाल लेंगे। ये मैंने ले ली है कुटी हुई धनिया, साबुत धनिया थोड़ी सी, और जीरा थोड़ा सा। साबुत धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं कूटा है, हल्का सा कूटा है। ले लिया है एक टीस्पून चाट मसाला और चुटकी भर गरम मसाला। साथ में ले लिया है ग्रेटेड अदरक, बहुत थोड़ा सा ही लूँगी मैं, स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद एक ले ली है मैंने हरी मिर्च, जिसे मैंने कुतर लिया है बारीक बारीक। एक छोटा प्याज, उसे भी बारीक काट लिया है मैंने। और प्याज को बारीक ही काटें और चॉपर में ना काटें, चॉपर में बहुत ही बारीक हो जाता है तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद डाल लेंगे हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जितना आपको चाहिए तीखा उस हिसाब से डालेंगे। और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि हमने जो आटे में आटा गूंदा है उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला है। और साथ में डाल लेंगे हरा धनिया, इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही खुशबू भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इन सबको कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है या गीलापन है, तो आप इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क सकते हैं। लेकिन ये अगर आपके फिलिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा आटा अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये आटा जो है मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा। तो चलिए बना लेते हैं पराठे। उसके लिए मैंने आटा पहले से गूंथ के रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको नॉर्मल पानी से गूंथा है। 15 मिनट रेस्ट के बाद हम इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे और इसकी बना लेंगे लोइयां। आपको जितने बड़े परांठे, छोटे या बड़े बनाने हैं, उसी हिसाब से आपको लोई लेनी है। आटा देखिए ना तो बहुत हार्ड है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पे दो लोइयां जोड़ के बनाऊंगी, तो इसलिए मैं दो बराबर की लोइयां बना लूंगी। ऐसे बनाने से जो हमारा परांठा है उसमें दो लेयर्स बन जाती हैं और दोनों लेयर्स बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, तो टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने दो लोइयां बना ली हैं और अब हम पहले एक लोई को थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा चकली बना के इसको थोड़ा सा फैला लें और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इसे छोटी रोटी में, मीडियम सी रोटी में हम बेल लेंगे। पूरी तरह से नहीं बेलना है हमने, आधी आधी रोटियां जितना है आटा है उसके हिसाब से बेल लेंगे। एक हमने बेल लिया, इसी तरह से दूसरी लोई को भी हम बेल लेंगे। और कोशिश करिए दोनों बराबर हों, क्योंकि हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है तो लगभग बराबर ही होनी चाहिए। बिल्कुल पहले वाली लोई की तरह इसे भी हम बेल लेंगे और छोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लगाएंगे इस पे थोड़ा सा घी और फैला देंगे और उसके बाद हम इस पे स्टफिंग डालेंगे। अच्छी तरह से घी को फैला दीजिए और उसके बाद जितनी स्टफिंग आपने करनी हो उस हिसाब से कर लीजिए, ना तो बहुत कम करिए और ना ही बहुत ज़्यादा। यहाँ मैंने पनीर की स्टफिंग रोटी पे डाल दी है और अब हम इसे इवनली पूरी रोटी पे फैला देंगे। साथ में फैलाने से पहले आप नमक जरूर टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें रोटी पे फैलाने से पहले या पराठा बनाने से पहले। और ले लेंगे दूसरी रोटी और उस पे भी हम घी लगा लेंगे, जैसे हमने पहली रोटी पे लगाया था बिल्कुल वैसे ही, और अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इस रोटी को घी वाली साइड अंदर करते हुए पहली रोटी के ऊपर, स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। और अब इसको किनारों को बराबर करते हुए इसको
प्रेस कर देंगे साइडों से सबसे पहले, और फिर कर देंगे अंदर से प्रेस। ऐसे करने से एक तो ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और साथ ही साथ जो एयर पॉकेट्स होंगी, जब थोड़ी भी हवा बीच में भरी होगी तो वो भी निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी तो हमारी रोटी जब हम इसको बेलेंगे तो फटेगी नहीं। उसके बाद लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और दोनों तरफ से सूखा आटा लगा लेंगे, और उसके बाद इसको बेल लेंगे। हमने इसको ना तो बहुत मोटा रखना है और ना ही बहुत बारीक करना है। वैसे भी जब दो रोटी एक साथ बेलती हैं तो वो काफ़ी पतली हो जाती हैं। इसके चारों तरफ से अच्छी तरह से किनारे एक बराबर होने चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैंने इसे इतना मोटा रखा है, बहुत मोटा नहीं है। अब तवा कर लेंगे गरम और उस पर पराठा अपना रख देंगे। एक साइड से हल्का सा सिक जाए, देखिए रंग बदल गया है, बबल्स आने लगे हैं, तो हम इसे पलटा देंगे। और हमने इसे बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, जहाँ लो फ्लेम पे जब तेल लग जाएगा तो आप इसका फ्लेम सिम पे करके इसको धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और इस साइड लगा दिया है मैंने घी, और घी लगाने के बाद जब दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पक जाए तो हम इसे पलटा लेंगे। और फ्लेम हमने कर दी है बिल्कुल लो, और दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे, और एक साइड से उस साइड से थोड़ा सा और फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे दोबारा से पलटा देंगे। चिमटे के बजाय इस तरह से पलटे से पलटाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ये हमने दो रोटियां जोड़ी हैं तो वो खुलने के डर रहता है, और बड़ी रोटी हो तो वैसे भी चिमटे से पलटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटी रोटी हो तो पलट जाएगी आसानी से। और इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कलर का हमने ब्राउन कलर लाना है, बिल्कुल ब्लैकिश कलर नहीं करना है। ये आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तभी होगा, अगर फ्लेम हाई होगी तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा, जो कि खाने में इतना क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। और इस तरह से सुनहरी रंग जो होता है वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो धीमी आंच पे इसको दोनों तरफ से हम पलटते हुए और इस तरह से गोल भी घुमाते जाएंगे तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिकता जाएगा। तो लीजिए हमारा परांठा बनकर तैयार है। मेरी मम्मी जो ऐसे दो रोटियां जोड़ के बनाते हैं ना, उसको द्रोपड़ बोलती थी, मुझे द्रोपड़ ही याद है। ये देखिए स्टफिंग और अपने आप कैसे खुल रहा है ये, तो मैं अभी आपको इस तरह से खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बहुत आसानी से खुल जाता है, और इसको आप अलग अलग करके सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी पतली हो गई है। देखिए परांठा अगर हम एक साथ बनाते हैं तो काफ़ी मोटा सा होता है, और इस तरह से बनाने से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। इसे आप दही के साथ, मक्खन के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए हमारा पनीर का परांठा चटपटा सा बनके तैयार है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर कोई बिना घी लगाए फ्राई करके परांठा नहीं खाना चाहता है स्टफ्ड, तो उसके लिए कैसे बनाया जाए बिना घी के लेकिन क्रिस्पी भी हो। उसके लिए थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे और इस तरह से चकली बना लेंगे। चकली साइडों से हम पतली करेंगे, सेंटर से मोटी ही रहने देंगे इस तरह से, और उसके बाद लगा देंगे घी। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसमें अब डालेंगे अपनी स्टफिंग। लेकिन जो पराठा हमने पहले घी लगा के बनाया है वो जल्दी बन जाता है, और जब हम उसे बिना घी के बनाते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, जब अगर पूरी फैमिली के लिए बनाओगे तो काफ़ी टाइम चाहिए। इस तरह से स्टफिंग भर ली है, और अंगूठे से अंदर को प्रेस करते हुए हम इसको साइडों से किनारे पकड़ के इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और एक अंगूठे से स्टफिंग को अंदर प्रेस करते जाएंगे। इसी तरह से इसे सील कर देंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर से पेड़ा बना लेंगे, लोई बना लेंगे, जैसा कि कहते हैं हम लोग पंजाबी है ना, तो पेड़ा बोलते हैं। इस तरह से बना के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और अगर इसमें कुछ हवा रह गई होगी तो वो निकल जाएगी। अब लगाएंगे सूखा आटा, और उसके बाद इसको हल्का सा हाथों से फैला लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स या एयर पॉकेट्स ना हो इसके अंदर, और
उसके बाद हम इसे बेल लेंगे, बिल्कुल जैसे आम रोटी हम बेलते हैं। ज़रूरत हो तो सूखा आटा इस पर लगा लीजिए, और ये दूसरे पराठों से थोड़ा सा थिक रहेगा, जैसे हमने पहले वाले बनाए हैं उससे थिक रहेगा। और जो हमने घी लगा के पराठा बनाया था उसे बनाने में मुझे 3 मिनट लगे थे, और 1 एक्स्ट्रा मिनट लगा था उसको क्रिस्पी करने के लिए, टोटल 4 मिनट लगे। और इसे बनाने के लिए मुझे पूरे 9 मिनट लग गए थे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हमने इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है। लो फ्लेम पे इसलिए पकाना है कि धीरे धीरे पकेगा तो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। एक साइड से पक जाए तो हम इसे पलटा देंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं, हल्का सा पक जाए। और इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इसको पलटते हुए धीरे धीरे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पकाएंगे, और इसको पकाने में मुझे पूरे 9 मिनट लगे। लेकिन खाने में ये बिल्कुल जैसे आप घी के साथ फ्राई करके खाते हैं वैसा ही टेस्ट आएगा, और बहुत अच्छा लगेगा, गिल्टी फील भी नहीं होगा कि हम बहुत फ्राइड खा रहे हैं। और आप चाहें तो बिना घी लगाए इसे खा सकते हैं दही के साथ, और चाहें तो इसके साथ, ये देखिए कितना क्रिस्पी सा बना है। और इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे तो बिल्कुल मत बनाना, चाहें तो बिना घी के खाइए, चाहें तो घी लगा के और दही के साथ जैसे दूसरे पराठे खाते हैं उसी तरह से खा सकते हैं। जब मक्खन आपको पसंद है मक्खन भी खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे दोनों तरह के पराठे बनकर तैयार हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं इसे भी आपको खोल के दिखा देती हूँ अंदर से ये कैसा लग रहा है। देखिए गर्म बहुत है इसलिए खोलने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये देखिए इसकी भी परतें कैसे अलग अलग हो रही हैं। ये भी बिल्कुल बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है।